नमस्कार, आज मैंने बनाया है गाजर का हलवा। आप इस तरीके से गाजर का हलवा जरूर बनाइए, बहुत आसानी से बन जाता है और जल्दी बन जाता है। तो यहाँ मैंने 1.5 किलो गाजर लिया है, इनको मैंने अच्छे से छिलका उसका हटा के उसके बाद उसे धो के इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। और हमें गाजर को अच्छे से धोना है, उसमें मिट्टी आती है। ग्रेट है वो मैंने बिल्कुल मीडियम साइज वाला जो ग्रेटर था उससे किया था। इसके बाद हमें मोटे तले की एक कढ़ाई लेनी है, उसमें हमें घी डालना है 3 से 4 चम्मच। उसके बाद जो घिसे हुए गाजर हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे और फ्लेम है हाई रखेंगे, इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। गाजर में काफ़ी सारा पानी होता है, इस टाइम पर ही गाजर है वो काफ़ी हद तक पक जाती है, हम इस तरीके से बनाते हैं। तो हम इसे ढक के पकाएंगे और बीच बीच में हम इसे संभालते रहेंगे ताकि जो गाजर है वो नीचे तले पे लगे ना। ये देखिए अभी गाजर में काफ़ी सारा पानी है। इसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे इस स्टेज पर। गाजर की जो क्वांटिटी है आप देख सकते हैं बिल्कुल आधी हो गई है और पानी भी काफ़ी हद तक सूख गया है। यहाँ मैंने 1.5 किलो गाजर ली थी और 1.5 किलो ही मैंने यहाँ पे दूध यूज़ किया है फुल क्रीम। इसे हाई फ्लेम पर रखना है और कंटिन्यू चलाना है। बीच बीच में हम इसे छोड़ देंगे लेकिन बाद में संभालते रहेंगे साथ के साथ। इस स्टेज पर हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे या अपनी चॉइस से कोई से भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने काजू बादाम और किशमिश यूज़ किया है। हमें हाई फ्लेम पर अच्छे से पकाना है इसे और इसका जो दूध है वो हमें अच्छे से सुखाना है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी यहाँ पर मैंने 1.5 कप यूज़ की है, इसको हम अच्छे से चलाएंगे। गाजर का हलवा है तभी टेस्टी लगता है जब इसका जो पानी है और जो दूध है वो अच्छे से सूख जाए। इस तरीके से गाजर का हलवा है बहुत जल्दी बन जाता है और काफ़ी जल्दी पक जाता है। आप अगर इसे दूध में डायरेक्ट बॉईल करके बनाएंगे तो इसे पकने में काफ़ी टाइम लगता है। आप देख सकते हैं कि पानी है या अच्छे से सुखाना है। और कंटिन्यू मैंने इसे हाई फ्लेम पे ही पकाया है चलाते हुए। आप देख सकते हैं जो हलवे की क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है धीरे धीरे। देखिए पानी है वो बिल्कुल अच्छे से सूख गया है, बस इस स्टेज तक हमें गाजर के हलवे को अच्छे से पकाना है, बिल्कुल पानी अच्छे से सूख जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। हम यहाँ डालेंगे घी। घी आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज्यादा ये आपकी चॉइस है। मिलाएंगे। गाजर का हलवा है बनके तैयार है। आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।